अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों कैसे हो? दोस्तों आज बात करने वाले सीडलेस लेमन के ऊपर। ये पौधे हमने लगाए हुए थे फरवरी में, तो अभी हमने वीडियो बनाई हुई इसको, ये जुलाई में आपको हम जो ना मुकम्मल वीडियो दिखाएंगे। पहले जैसे हमने लगाए थे वो भी हम आपको जो ना वीडियो दिखाएंगे। 15 हमने पौधे लगाए थे, 14 इसमें लेमन के पौधे निकले थे, एक पौधा जो था वो निकला हुआ इसमें माल्टे का। तो ऐसा होता है क्योंकि ज़्यादातर ये जो ना माल आते हैं गाड़ियों में, तो उसमें काफ़ी सारे मुख्तलिफ पौधे पड़े होते हैं, तो उस टाइम पे पता नहीं चलता है। तो अभी क्योंकि हमने लगाई हुई 5-6 महीने के बाद जब हमने देखे, तो ये जो ना एक में इसमें पौधा दूसरा निकला था। तो आप भी कोशिश किया करें कि पहले चेक कर लिया करें, क्योंकि अगर आप नर्सरी में लेते हो तो उस टाइम पे तो आपको बता देंगे, लेकिन अगर आप ज़्यादा माल मंगवाते हो, ज़्यादातर नर्सरी से लोग माल मंगवाते हैं इकट्ठे, तो उसमें फिर भी जो ना पते नहीं चलते हैं। अच्छा, मज़े की बात ये ना कि यहाँ पे हमारे साथ आपको नज़र आ रहे हैं, हमारे पास और भी काफ़ी सारे लेमन के पौधे लगे हुए, लेकिन ये चाइना का लेमन है। चाइना का लेमन ये होते कि सीज़न में नहीं होते, गर्मी में नहीं होते, क्योंकि गर्मियों में इनका काफ़ी अच्छा रेट होता है नींबू का। तो ये तो काफ़ी जो ना पैदावार है। अभी ये जो आई हुए ना सीडलेस लेमन, ये इसमें ये एक पौधा आपको तकरीबन 3 से 4 मन का जो ना वो देते हैं, लेमन देते हैं। ये आपको मैं थोड़ी सी पिक्चर भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं। अभी भी अगर आप इस सीज़न में आपके पास ये लेमन है, तो इसका तकरीबन 150 रुपये किलो बिकते हैं बाज़ार में, ठीक है। और जो चाइना नींबू होता है उसका रेट काफ़ी कम होता है, क्योंकि एक तो वो कच्चे होते हैं, दूसरे वो छोटे होते हैं। चाइना नींबू में ये फ़ायदा होता है कि वो साल के 12 महीने आपको जो ना फल देते हैं, और ये जो ना ये आपको सीज़न में देते हैं, ये मई महीने में ये आपको जो ना फल तैयार हो जाते हैं, ठीक है। इसको आप घर में भी लगा सकते हो, गमले में भी लगा सकते हो, और ज़मीन में भी लगा सकते हो। घर में भी अगर आप लगाना चाहते हो तो एक लेमन अगर आप लगा ले तो आपके पूरे घर का काम कर जाते हैं। वैसे अगर आप खेतों के लिए लगाने, ज़मीन के लिए लगाना चाहते हो तो बेहतरीन है। नींबू ऐसी चीज़ है कि ये आपका जो ना सर्दी में बिक जाते हैं, गर्मी में बिक जाते हैं। इसका ये नहीं होता कि सर्दियों में ये नहीं बिकते, गर्मी में सिर्फ बिकते हैं, सर्दियों में भी बिकते हैं और गर्मी में बिकते हैं। सर्दियों में सिर्फ ये होता है कि इसका जो ना इसका रेट थोड़ा सा कम होता है, और गर्मी में इसका रेट काफ़ी अच्छा मिलता है। तो अभी देखें ना, ये आपको नज़र आ रहा है, ये गमले में भी लगा हुआ है, और आपको जो ना ज़मीन में भी लगा सकते हो। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ जो हमने ख़ुद पौधे लगाए हुए थे, 15 पौधे। तो क्योंकि मैंने आपको जैसे शुरू में बताया था कि हमने फरवरी में लगाए थे, और ये पौधा हम लेके आए थे पेशावर से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे जो ना लोग लेके आते थे पेशावर से पौधे, तो हमने भी क्योंकि हमारे पास थोड़ी सी जगह खाली पड़ी हुई थी, तो हमने कहा चले यार इसके ऊपर ट्राई करते, चेक करते ये लगते कि नहीं लगते। तो हमने ये 15 पौधे मंगवाई हुई थी, ये तो हमने 15 के 15 लगाए, और माशाल्लाह 15 के 15 लगी है। जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि एक लेमन का नहीं था, वो माल्टा निकला था, मौसमी माल्टा निकला था, ठीक है। तो बाकी सब लेमन के पौधे हैं। और इसमें ये है ना कि ये शुरू के जैसे हमने लगाए थे तकरीबन ये इसमें फरवरी में हम लगाए थे, और मार्च में इसने जो ना पल पकड़ना शुरू कर दिया, लेकिन वो पल हमने गिरा दिए थे, क्योंकि पहले साल का जो पल होता है वो सही नहीं होता है, तो सारा ताकत जो होते ना वो ये ले लेते पल ले लेते, तो इसलिए हमने इसके अंदर पल छोड़ा नहीं था। अभी आपको हम दिखा रहे हैं, ये मैंने जैसे पहले आपको बताया था पेशावर से मंगवाया था, ये पौधा हमें पड़ा था 180 रुपये का। तो अभी इसको हम लगाएंगे, अगर आप लोग ज़्यादा मंगवाना चाहते तो फिर उस टाइम आपको जो ना ये थोड़े से कम पड़ जाते रेट, क्योंकि हमने थोड़े मंगाए हुए थे, इसलिए जो ना हमें रेट थोड़ा सा ज़्यादा पड़ा था। मैंने इसके लिए जो ना कड़ा थोड़ा सा छोटा किया हुआ है, तकरीबन 1.5 फुट का कड़ा किया हुआ है, वो इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे हमने लहसुन लगाया हुआ था ना, लहसुन जिससे क्योंकि उस टाइम सीज़न था लहसुन का, तो वो हमने लगाया हुआ था, तो हमने कहा चले वो भी बचा रहे और ये पौधा भी लग जाए, क्योंकि हमने लहसुन को पानी तो देना था, तो उसी के साथ साथ जो ना ये भी लगा ली थी। और ये ग्राफ्टेड है, ठीक है, जैसे जिस ज़्यादातर लोग इसे कलम भी कहते हैं, कलमी पौधा है, ठीक है। एक तो होते हैं ना कलम का होता है, एक बीज का होता है, और एक एरलेयरिंग का होता है। जैसे मैं आपको अपने चैनल पे वीडियो काफ़ी सारे अपलोड करता हूँ, वैसे इसमें मैंने एरलेयरिंग की हुई, अभी तकरीबन 3-4 दिन हो गए हमने एरलेयरिंग की। अभी जैसे ये आपको मैंने क्रॉस निशान दिखाया हुआ है, यहाँ पे ये ग्राफ्ट हुआ हुआ है, क्योंकि इससे पहले ये जो पौधा होता है ये कट्टे का होता है, जो बड़े बड़े कट्टे माल्टे होते हैं ये उसका होता है, तो उस पर ये ग्राफ्ट कर जाते हैं, ठीक है ना, कलम करते हैं, क्योंकि जो होते हैं ना कलम करना, इसलिए कि तो पल जल्दी पकड़ लेते हैं, दूसरा ये ना जो नीचे वो होता है दूसरा पौधा जो खट्टा होते हैं, वो उसकी जड़ें काफ़ी जल्दी जो ना वो पौधे को जो ना ज़रा नशोनुमा उसकी जल्दी हो जाती है, इसलिए जो ना ज़्यादातर लोग जो ना उसी में ग्राफ कर लेते हैं। तो अभी हमने 15 के 15 पौधे लगाने हैं, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ साथ साथ।
और लगाती है हमने इसको जो ना पानी, ये देखें आपको ये नज़र आ रहा है, ये देखें ये आपने काटने यहाँ से नीचे जो भी होगा वो आपने काटनी है, या साइड इस साइड पे जो भी जहाँ पे आपको क्रॉस निशान नज़र आया ना जहाँ पे अगर कभी भी जो ना कोई वो टहनी वगैरह निकल आई आपने काट लेनी, उसको आपने नहीं छोड़ना। अगर वो आप छोड़ोगे तो ये आपका लेमन जो है ना यहीं पर सूख जाएगा, आगे ये तरक्की नहीं करेगा, ये आपका पौधा वही कट्टे का बन जाता है। ज़्यादातर आप लोग देखते हो अगर आप लोगों ने लगाए होंगे तो घर में या ज़मीन वगैरह में बाग में लगाए हो तो ज़्यादातर आप लोग देखते हो, क्योंकि ज़मींदार लोगों को तो सबको तो पता होते हैं, जो नए दोस्त होते हैं उनको नहीं पता है। तो वो जो ना अगर आपका जो ग्राफ्ट हुआ होता है वो अगर सूख जाए ना, टहनी सूख जाए तो बाकी आपकी जो ना ये इकट्ठा बन जाते हैं। तो इसलिए होता है कि सारे जो है ना ग्राफ्ट, चाहे मिट्टा लगा ले, माल्टा लगा ले, किनू लगा ले, कोई भी पौधा इसी में जो ना ग्राफ्ट कर लेते हैं, कलम कर लेते हैं। ये देखें आपको जो ना ये आप चाइना नींबू नज़र आ रहा है, फरवरी में हमने जो ना इसके ऊपर चापर डाली थी, ये लहसुन लगाया था हमने यहाँ पे देखें, और इसी में हमने छोटे छोटे कड़ी की ताकि पौधे हम लगा सके। जैसे मैंने शुरू में आपको दिखाए थे पौधे भी माशाल्लाह काफ़ी बड़े बड़े हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले साल ये जो ना आने वाले साल में ये हमें फल दे शुरू कर देगा, कम से कम ज़्यादा ना तो 10-20 तो हमें जो ना ये फल देना लाजमी शुरू कर देगा। तो शुरू में इसको हमने कोई खाद नहीं दी थी, ठीक है, सरब मिट्टी जो थी वही हमने डाली थी, ना इसमें जो ना हमने गोबर खाद डाली थी, ना इसमें जो ना दूसरा केमिकल डाला था, कुछ भी नहीं डाला था, क्योंकि इसमें जो ना हमने पहले जो ना खाद वैसे डाली हुई थी, लहसुन वगैरह का हमने खाद दिया हुआ था, तो इसको हमने जो ना खाद दोबारा नहीं डाली थी। फिर उसके बाद हमने थोड़ी बहुत डाल दी थी, जो ऑर्गेनिक खाद होती वो हमने डाली थी, ठीक है। ये देखें ये पौधा, ये अभी आपने पौधा देखा होगा माशाल्लाह का कितना ज़बरदस्त है। ये भी जो पौधा आपको नज़र आ रहा है ये सूखा हुआ नहीं था, क्योंकि ये बाहर पड़े थे तकरीबन 2-3 दिन हमने लगाए नहीं थे। तो उसके बाद ये सारे पौधे जितने पौधे थे सब के सब हो चुके थे, सब के सब लगे हुए थे। अभी हमने इंशाल्लाह एक और भी जो ना वीडियो बनाई हुई तैयार की हुई, इंशाल्लाह वो भी 2-3 दिन में अपलोड करेंगे। वो हमने एयर लेयरिंग की बनाई हुई थी, जैसे आप लोगों को पता है कि जैसे भी आप पौधा लगाते हो तो अगले साल ही आपको जो ना ये फल देना शुरू कर देते हैं, तो वो हमने जो ना उसके ऊपर वीडियो बनाई हुई बहुत डिटेल के साथ, आपने वो वीडियो लाजमी देखनी है, ठीक है। अगर आप लोगों को जो ना इस पौधे वगैरह में कोई थोड़ा बहुत भी जो ना दिलचस्पी है तो आपको वो वीडियो लाजमी देखनी चाहिए, वो काफ़ी बेहतरीन वीडियो है, ठीक है। जैसे कि ये अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, अभी इसको हमने पानी देना है, तो आपने लगा के ना इसको पानी लाजमी एक बार लाजमी देना है, और तकरीबन एक हफ्ते 10 दिन तक आपने या सुबह या शाम इसको लाजमी पानी देना होता है, ठीक है, ताकि एक बार इसकी जड़ लग जाए, फिर इसको जो ना अगर आप जो ना 2-3 दिन बाद भी पानी दे देते तो मसला कोई नहीं। अगर बारिश हो तो फिर तो उससे तो बेहतरीन चीज़ और कुछ भी नहीं, पानी से बेहतर तो अगर बारिश हो तो वो तो बेहतरीन है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल वाले आइकन और आल की नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारे ऐसे नई आने वाली मालूमाती वीडियो मिल सके। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।